दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से फहमान खान की इमली सीरियल से एग्जिट हुई है, जब से ही दर्शक इनके नए प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे। जहां खबरें आई थी कि फहमान खान बिग बॉस 16 में नजर आएंगे, पर ऐसा तो नहीं हुआ। पर अब आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। जी हाँ, फहमान खान स्टार प्लस के नए सीरियल प्यार के सात वचन धर्म पत्नी सीरियल में नजर आने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सीरियल में फहमान खान के साथ कौन सी एक्ट्रेस नजर आएंगी जिनके साथ फहमान खान का लव रोमांस देखने को मिलेगा? और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत जल्द फहमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आने वाली हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार प्लस के सीरियल इमली में जनरेशन लीप के बाद जैसे ही फहमान खान ने शो से एग्जिट ली तो फैंस की आंखें बेहद नम हो गई थी। इसलिए लंबे वक्त से फहमान के फैंस उनके नए प्रोजेक्ट की आस में बैठे हैं, ये सोचकर कि फहमान कुछ बड़ा जरूर लेकर आएंगे। और लीजिए, फहमान का नाम जुड़ गया है एक बड़े शो से जिसे प्रोड्यूस कर रही है खुद एकता कपूर। जी हाँ, खबरें सामने आई है कि फहमान खान जल्द ही एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के तले नए शो में नजर आएंगे और इस शो का नाम होगा प्यार के सात वचन धर्म पत्नी, जिसमें फहमान खान रवि रंधावा का किरदार निभाएंगे। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एकता के इस नए शो में फहमान खान के साथ जो एक्ट्रेस नजर आएंगी उनका नाम है कृतिका सिंह यादव, जो सीरियल में प्रतीक्षा पारेख का किरदार निभाएंगी। और ऐसा पहली बार होगा कि फहमान और कृतिका पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे, जहां दोनों का लव रोमांस देखने को मिलेगा। और शो के टाइटल से इतना तो साफ है कि एकता का ये नया शो भी फुल फैमिली ड्रामा होने वाला है। बता दें कि हाल ही में फहमान खान ने अपनी पोस्ट से खलबली मचा दी थी, जिसमें उन्होंने अपने नए किरदार का जिक्र किया था। और फहमान खान के इस पोस्ट के बाद फैंस में खलबली मच गई थी कि क्या वाकई में फहमान खान नए शो को साइन कर चुके हैं। वेल, दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं फहमान खान के इस नए सीरियल को देखने के लिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।